Hi friends, welcome to my channel Saraswati Optical Company, and please don't forget to subscribe my channel and press bell notification to get notified all the time. तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो है हमारे डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर और उनसे निकलती हुई ब्लू लाइट के ऊपर. दोस्तों कैसे ये हमारी लाइफ पर इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, ये वीडियो इसी के ऊपर है. तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो. दोस्तों जो लोग ज़्यादा डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक LEDs, मोबाइल इन सब के सामने ज़्यादा रहते हैं, वो हायर अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट भी ज़्यादा रहते हैं. यानी कि जितना ज़्यादा आप डिजिटल डिवाइसेस के सामने रहोगे उतना ही हायर ब्लू लाइट आपको इफेक्ट है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, दैट इज स्लीपिंग प्रॉब्लम, आपको नींद ना आए. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर आप ऐसा फील करते हो कि आज सुबह जल्दी तो एकदम आपकी आंख खुल जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको नींद नहीं आती, या फिर एक डिजीनेस फील करना, हमेशा आपको स्लीपी रहने का मन करता है, या मतलब मैं सो जाऊँ, सॉरी, हमेशा आई फील स्लीपी, या फिर आपको आप सो तो जाते हैं बट आपको फ्रेश फील नहीं होता, आप एक्टिव नहीं होते. तो ऐसा अगर आपको लगता है तो इट मीन्स आप डिजिटल डिवाइस का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हो. अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम आपको फील होती है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो, या गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखो. और ये क्यों होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलेटोनिन रिलीज करता है, मेलेटोनिन रिलीज कर प्रोड्यूस करता है, जो एक स्लीपिंग हार्मोन होता है. तो ये जब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होने लगती हैं, किस वजह से, ब्लू वॉयलेट रेज के कारण, यानी कि ब्लू लाइट की वजह से आपकी ये चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं. सेकेंड पॉइंट है एस्टेनोपिक सिम्टम्स. एस्टेनोपिक सिम्टम्स क्या होते हैं, ये 90% जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं, 90% कंप्यूटर यूजर्स को ये प्रॉब्लम होती है. बहुत ही आम प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है. रेडनेस, इचिंग, वाटरिंग, ड्राइनेस, ये सब एस्टेनोपिक सिम्टम्स में आते हैं. जब आप ओवर यूसेज करने लगते हो, डिजिटल डिवाइस पे ज़्यादा रहने लगते हो, तो आपकी आंखों में पानी आना, खुजली होना, लाल होना, तो ये बहुत आम बात है. हम आगे बताएंगे कि इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है. थर्ड पॉइंट दोस्तों, जो ब्लू वॉयलेट रेज होती है, जो ब्लू लाइट है, ये हमारे सीधा रेटिनल सेल्स पर अटैक करती है. रेटिनल सेल्स पर जब अटैक होगा तो आपका विजन लॉस होने लगेगा. जो प्रॉब्लम्स हमें लेटर ऑन हमारी एज के हिसाब से आनी चाहिए, वो हमें जल्दी आने लगेंगी. हमारे फोटो रिसेप्टर्स टूटने लगेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें होने लगेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. अगर आपको जरा सी भी आपको फीलिंग हो रही है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, या सेकंड प्रॉब्लम है, या थर्ड प्रॉब्लम है, तो एक आई टेस्टिंग, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी अपना बताया था, वो भी आप जरूर देखिएगा. एक आई टेस्टिंग आपकी हेल्प कर सकती है इन सभी से बचने में. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है, कुछ लोग रात को सोते हुए लाइट बंद करके मोबाइल का यूज करते हैं. दोस्तों वो बहुत खतरनाक है. उससे क्या होता है, उससे पहले तो आपको टेम्परेरी विजन लॉस होता है, बट लेटर ऑन वो कंप्लीट विजन लॉस में हो जाता है. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. जैसे एक व्यक्ति क्या करता था, एक आंख, जैसे आप कुछ लोग ऐसे सोते हैं और एक आंख से मोबाइल चलाते हैं, तो उसका उसी आई का विजन लॉस हुआ. तो अब आप समझ सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है, और अब तक इसका कोई ट्रीटमेंट आया भी नहीं है. तो ऐसी चीजें ना करें जिससे आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं. तो रात को लाइट बंद करके कभी मोबाइल चलाइए ही नहीं, स्पेशली यंगस्टर्स ऐसा बहुत करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, आपका अलर्टनेस, योर अलर्टनेस लेवल. अलर्टनेस लेवल आपको ऐसा लगेगा सारा दिन शायद आप डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, लेकिन ये सब आपको हार्मफुल ब्लू लाइट की वजह से आपको फील होता है. अलर्टनेस आपका कम होने लगता है, आपको लगता है कि मैं मेल चेक कर लूं या अभी नहीं, बाद में करूंगा. तो इट मीन्स आपका जो मैं कहूंगा कि जो आप जितने अलर्ट रहते थे उतने नहीं रहते हो. अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रिकॉशंस की, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. दोस्तों सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आपको अपने डिजिटल आवर्स कम करने चाहिए. जैसे आजकल मैं अगर बात करूँ वर्क फ्रॉम होम, या मैं बात करूं कि बच्चे आजकल मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन ये लोग सब जरूर देखें, जो टीचर्स हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइस अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि वो
हमारा फ्यूचर सेव कर रहे हैं, बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें हमारे टाइमिंग्स कम करने पड़ेंगे। शाम के वक्त आप डिजिटल डिवाइसेस पे कम रहें और सोने से 2 घंटे पहले तक आप मोबाइल डिसकंटिन्यू कर दीजिए, आपको मोबाइल नहीं देखना। और सोते हुए भी आपका जो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इंटरनेट है, इन सबको ऑफ करें ताकि रेडिएशन कम हो। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। दूसरा दोस्तों, जब भी आप डिजिटल डिवाइसेस पे रहें तो आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है 20-20-20, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखना। इससे 1 घंटे में 1 मिनट का रेस्ट होता है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो जितने भी ये एस्थेनोपिक सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं, रेडनेस, इचिंग, वाटरिंग, ये सब आपको कम होने लगेंगे। और स्लीपिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया, रात सोने से 2 घंटे पहले आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए, उसको यूज मत कीजिए। ज्यादा डिजिटल डिवाइस यूज करते हुए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको उसकी ब्राइटनेस का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप नाइट मोड भी ऑन कर सकते हो। और जब आती है बात स्पेक्टिकल्स की, स्पेक्टिकल्स में ब्लू फिल्टर लेंस यूज कर सकते हो। दोस्तों ब्लू फिल्टर एक नई टेक्नोलॉजी है, काफी समय हो गया है, कपल ऑफ ईयर्स हो गए हैं इसको आए हुए। ब्लू फिल्टर एक नई टेक्नोलॉजी है जो गुड रेज और बैड रेज के बीच में है, जो आपको गुड रेज एंटर करने देती है और बैड रेज को रोक लेती है। गुड रेज टर्कोइश रेज को कहते हैं, जो हमारी आई के बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करता है, और बैड रेज हम वॉयलेट रेज को कहते हैं, जो हमारे रेटिनल सेल्स को डैमेज कर सकता है, उसको काफी हद तक हार्म पहुंचा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर आपके पास 2 स्पेक्टिकल है तो आपको होना चाहिए कि 1 स्पेक्टिकल में आपके ब्लू फिल्टर लेंस होने चाहिए। ब्लू फिल्टर लेंस को आप पहचान सकते हैं, ब्लू फिल्टर लेंस के ऊपर एक ब्लू कोटिंग होती है, तो ये आपको बताती है कि जो आपने लेंस पहने हुए हैं वो ब्लू फिल्टर लेंस है। प्लस इसमें एक येलोइश टिंट होता है, येलोइश टिंट ही आपको मदद करता है रिलैक्स करने में। मेरे से बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको मैंने ब्लू फिल्टर लेंसेज दिए हैं, एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू मी। जब से उन्होंने लेंसेज पहने हैं, उन्होंने बताया है कि हमारी आंखों की थकान खत्म हो गई है, उनको काफी काफी हेल्प करी है उन लेंसेज ने। तो आपको ब्लू फिल्टर लेंस पहनने चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपको पता लग गया, और इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और सिर्फ जो ही आंखें मिली है दोस्तों, इनका बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।